बुरादारदी अल्लाह अनुरावी है फरमाते रसूल सल्हस ने दो कंकरियां उठाई दोनों को इकट्ठे फेंका वो तो दोनों करीब करीब जा गिरे तो साहबा से पूछा है मेरे साहबा बताओ ये किसकी मिसाल है दो कंकरियां थी दोनों को इकट्ठे फेंका वो करीब करीब पड़ी हैं फरमाया एक कंकड़ी किसकी मिसाल है दूसरी कंकड़ी किसकी की मिसाल साहबा ने अद की या रसूल अल्लास अल्लाह व रसूल हु आलम अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है हमें ये मिसाल समझ नहीं आई तो नबी अकर वल्लम ने फरमाया हादल अम लो वजाल कल अजल सरकार ने फरमाया एक पत्थर जो है वो उम्मीद की मिसाल है दूसरा पत्थर जो है वह मौत की मिसाल पर मैं एक सेट पे इंसान की मौत चल रही होती है साथ ही साथ उसकी उम्मीदें चल रही मौत करीब से करीब होती जा रही होती और उम्मीदें इंसान की बढ़ती चली जा रही है। अगर सरकार ने फरमाया जो मायने दो कंकरियां फेंकी हैं इनको गौर से देखो तो ये कितनी करीब पड़ी है इतनी तो दूर नहीं है वो तो मौत और उम्मीद दूर नहीं है लिहाजा इतना सोचो कि कम मत कम मौत के करीब तो रहो इतनी लंबी सोच ना सोचो इतने लंबे प्रोग्राम प्रो ना बनाओ कि तुम मौत से दूर ही समझ लो अपने आप को गोया सरकार ने फरमाया मौत के करीब करीब रहा करो मौत के बारे में सोचा करो हजरत अब्दुल्ला अपने मसूद रजी अल्लाह है फरमाते हैं रसूल सल्लम ने फरमाया तो वाला दो मिन आपने फरमाया कि क्यामत करीब आ गई है और लोग दुनिया के हिरस में दूर बढ़ते जा रहे देखो क्यामत का दिन मुकर है वो अटल फैसला है उसने आना ही आना है अब दिन रोजाना घटते जा रहे हैं क्यामत करीब चली आ रही है और लोगों का हिरस और उनके मामलात बढ़ते जा रहे हैं हम अपनी मुख्तर जिंदगी को देखें तो आज से दस साल पहले क्या हालात थे लोगों के क्या प्रोग्राम थे और क्या उम्मीदें थी कैसे सिस्टम हो रहा था दस साल के बाद कितनी तब्दीली हो गई कितने लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत करीब आ रही है और लोगों का हिर्स दूर से दूर चला जाता है अब्दुल्लाब ने मसूद रजी अल्लाह फरमाते रसूल अकरब इला सरकार ने फरमाया मेरे साहबा याद रख लो जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है और जहन्नम भी जूते के तस्मे से ज्यादा करीब हम जो सोचते हैं जन्नत कहाँ दोजख कहाँ? जन्नत जन्नत सातों आसमानों से ऊपर है और दोजख जो है वो तहत सरा में है और इतने फासले हैं सरकार ने फरमाया वो जो भी है सो हैं पर बंदा और जन्नत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पोंख का जूता है कितना करीब है जो कितनी दूरी है कोई दूरी नहीं गोया अगर इंसान जन्नत के रास्ते पे चलना चाहे तो वो दूसरा कदम जन्नत में है अगर वो दोजख के रास्ते पे चलना चाहे तो दूसरा कदम दोजख में जन्नत और दोजख का इतना फसल मिसाल के तौर पर आदमी कोई अच्छा काम कर रहा था अच्छा काम करते करते मौत हो गई तो उसकी गवाही होगी वो तो जन्नती अगर बुरा काम कर रहा तो उसी वक्त मौत हो गई गवाही भी बुरी किरदार भी बुरा जहन्नम तो सरकार ने फरमाया ऐसे समझ लो जितने जिस तरह जूता तुम्हारे पाऊ के नीचे आए बिल्कुल तुम्हारे जिसम से टच कर रहा है जन्नत भी इसी तरह करीब है दो जख्म भी इसी तरह करीब है मत सोचो ये करूँगा वो करूँगा इतने गुना पाप करो फिर जहन बनूंगा फिर मैं ऐसा नहीं है जन्नत दो तो एक कदम का फासला पता ही नहीं चलता तो लिहाजा आदमी को हर वक्त ये सोचना चाहिए न जाने ये मेरा कदम ये मेरा फेल ये मेरा अमल ये मेरी सोच जन्नत में जा रही है या दोजक में मुझे डाल रही है ये फिक्र इंसान की जिंदगी में हो तो वो दोजक की तरफ कदम नहीं उठाएगा बल्कि जन्नत की तरफ ही उठाएगा आखिरी आखिर दिसरत साद नबी वक्स फरमाते फरमाते एक शख्स सरकार की खिदमत में आया अर की रसुल वसलम ओसिन मुझे वसीयत फरमाए सरकाल फिर से पहली वसीयत और नसीहत है जो लोगों के हाथ में है उसकी न वो लोगों का। रब ने जिसको जिया दिया है वो उसका है मत सोच के उसका पैसा मैं ले लूंगा उसका माल मैं ले लूंगा कभी ऐसा नहीं होगा फिर मैं पहले तो ये बात जहन से निकाल दो जो जिस जिसके पास है उसी का वो मेरा नहीं उसमें उम्मीद ही नहीं रख नंबर दो वह तम इन फकर वलहा सरकार ने फरमाया दूसरी बात यह है तम्मा और लालच बिल्कुल जिंदगी से निकाल दो क्यों इसलिए ये लालच असल में गुरबत ही है जब आदमी उम्मीद करके बैठ जाता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा बुला हो जाएगा समझ लो उसी लमे वो गरीब हो गया वो मोहताज हो गया किसी का पर वह मत किसी की तरफ लालच रखो अपना करके खुद कमाओ और खुद खाओ अपने मामला खुद चलाओ किसी के बल बोते पे नहीं बैठना वरना तुम फकीर हो जाओगे गरीब हो जाएगा गुर्बत दिल करके आ जाएगी लिहाजा गुर्बत के हालात से बचो खुद को खुददार बनाओ और अपने करके खाओ <laughs> नंबर तीन फरमा वीसरी नसीहत सरकार ने फरमाई नमाज ऐसे पढ़ के तू अलविदा करने वाला यानी आखिरी समझ के जो नमाज नसीब की समझे ये मेरी आखिरी है इसको ही संवार के पढ़ लो इसको खूबसूरत करके पढ़ लो अल्लाह जाने अगली नसीब होती है नहीं होती हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ चौथी सरकार ने फरमाई वमा युक्त व्या का वमा युग तदरो मेनो फरमा ऐसा अमल ना कर जिसके बाद कोई बहाना करना पड़े उजुर करना पड़े ओ जी नहीं जी फला हो गया जी फला नहीं साफ सुथरा काम कर के सामने का ताक ताकि तुझे उजुर करने की जरूरत ना पड़े माजरत करने की जरूरत ना पड़े माफी ना मांगनी पड़े वो काम करने की जरूरत कौन सी है जिसमें बाद में माफी मांगनी पड़े काम ही वो करो जो साफ सुथरा हो इज्जत के साथ करो जरूरत के साथ करो ईमानदारी और खुलूस के साथ करो उसमें कोई दूसरी बात नहीं है तुझे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी जमाना माफिया मांगेगा इसलिए साफ सुथरा काम करना चाहिए ये चार बातें मैं रिपीट कर देता हूं पहली बात लोगों के माल पे लालच नहीं करना और उसमें उम्मीद बिल्कुल खत्म कर देनी। नंबर दो लालच किसी के लिए नहीं रखना वरना फकीर हो जाऊँ। नमाज ऐसे पढ़ो कि ये आखिरी ही नमाज है। वह ऐसा अमल और ऐसा फेल और ऐसा कौल ना करना जिसके पास बाद माफी